सब्स्टिट्यूशंस आप मेरे साथ सीखने वाले। आज के सेशन में टोटल 125 स्लाइड्स लेकर आया हूं और हर एक स्लाइड में 4 सब्स्टिट्यूशंस आपके पास होंगे, यानी कि टोटल 125 इज इक्वल टू 125 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 500। टोटल 500 सब्स्टिट्यूशंस आप मेरे इस एक ही सेशन से आपको मिलने वाले। ठीक है दोस्तों, क्लास को पूरा देखिएगा और क्विज के फॉर्मेट में मैंने रखा हुआ है सो दैट आपकी क्लास थोड़ी इंटरेक्टिव बन सके, लेकिन फिर भी यहाँ पर जितना दिखे जितना भी हो सकेगा हम लोग पहले अपने से डन करेंगे, बाकी सारे के सारे आपको आपके लिए एज अ होमवर्क मिल जाएंगे रिवाइज करके, उनको प्रैक्टिस करके रिवाइज करके अच्छे से लर्न करने के लिए। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं। चलो दोस्तों, जो भी फर्स्ट टाइम है मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिएगा, राइट एवरीवन, संदीप के सरवानी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। मैं स्टार्ट जो है इस तारीख से ले दे रहा हूं, इसकी प्रैक्टिस फॉलो करना है आज का भी आप तो, जो भी आपके पास है ठीक है, और हाइड कर लो 25 से क्या स्लाइड आप हाइड मजा की जे फॉल, ये चार ऑप्शंस विदाउट पॉल होगा बेटा क्योंकि विदाउट पॉल है, आपको कमेंट में आंसर देना है एबीसीडी। सिंगल सिंगल सेशन में पॉल नहीं कर सकते बेटा, समझा करो, हर बच्चा पॉल के लिए नहीं है यहां पे। तो आपके सामने यहां पे करेक्ट आंसर है, बिल्कुल देख लीजिए आंसर, दैट इज वैग। दोस्तों वैग मतलब होता है मस्खरा, एक ऐसा इंसान जो बहुत ही मजेदार है, ठीक है, बहुत ही मजेदार है, उसको हम कहते हैं दोस्तों वैग, यानी कि मस्खरा कहते हैं। अच्छा बाकी ऑप्शंस देखिए, तो जेनी मींस होता है स्ट्रेंज और अनयूजुअल इन एन अम्यूजिंग वे, जो थोड़ा सा हास्यप्रद टाइप का है, स्ट्रेंज है, मजाकिया है ना, सनकी टाइप का है दोस्तों, उसको हम कहते हैं जेनी। स्ट्रेंज और अनयूजुअल इन एन अम्यूजिंग वे, पशु प्रेमी को कहते हैं ज़ूफिलिस्ट, अ लवर ऑफ एनिमल्स। मैं आपको बताना चाहूंगा ज़ूफिलिस्ट को याद रखना है, दो रूट से बना हुआ है, ज़ू मतलब होता है चिड़ियाघर और चिड़ियाघर में जानवर पाए जाते हैं, तो गाइस ज़ू का मतलब एक प्रकार से ज़ू से एनिमल याद रखना, और PHIL फिल, फिल का मतलब होता है दोस्तों लव, तो जो जानवर से एनिमल से लव करे उसी को हम ज़ूफिलिस्ट कहते हैं, ज़ूफिलिस्ट मींस हो गया पशु प्रेमी। An unexpected piece of good fortune, उसको windfall कहते हैं, अप्रत्याशित लाभ, unexpected है ना, good fortune unexpected थी, मतलब उसकी किस्मत बदल गई लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी, इसको हम कहते हैं windfall, अप्रत्याशित लाभ। ठीक है, second the study of animals, आपके options है वेंडाल, वेफ, रेथ एंड जूलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल्स क्या कहलाता है, बिल्कुल सही जवाब दिया आप सभी लोगों ने, अभी हमने जस्ट आपको हिंट दिया, एनिमल्स जो है वो जू का, जू मतलब चिड़ियाघर, चिड़ियाघर मतलब जानवर रहते हैं, सो गाइस हमें जूलॉजी, जू से ही बना हुआ है ऑब्वियसली, तो आंसर भी यही हो जाएगा, जूलॉजी यहाँ पे हो गया, जंतु विज्ञान जिसको कहते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल्स दैट इज जूलॉजी। बाकी ऑप्शंस की बात कीजिए तो रेथ मींस होता है पुष्प आहार, पुष्पहार, पुष्पहार का मतलब फूलों की माला, फूलों की माला को हम रेथ कहते हैं, फ्लावर्स फास्टेन इन अ सर्कल, यानी ये फूल जो एक ही डोरी में बंधे हुए होते हैं वो माला बन जाती है और माले को हम रेथ्स कहते हैं। फिर लिखा हुआ है वेफ, वेफ मींस होता है अ थिन एंड होमलेस चाइल्ड, एक पतला सा बिना घर वाला बच्चा, उसको बेघर बच्चा या गरीब बच्चा कहते हैं, जैसे आपको रोड पे बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे जो बेगर्स हैं, जिनके माँ बाप नहीं है और अपना पेट पालने के लिए वो बेचारे भीख मांगते हैं, तो वो बच्चा क्या कहलाएगा, वेफ कहलाएगा। और लास्ट है वन हु डैमेजेस पब्लिक प्रॉपर्टी, जो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करता है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, उसको हम वैंडल कहते हैं। जैसे आप देखते होंगे जब कभी भी कोई दंगा होता है तो लोग बस जला देते हैं, गाड़ियां फूंक देते हैं, दुकानें जला देते हैं, मतलब कुछ भी सरकारी चीज मिला जलाते, फेंकते, तबाह करते, बर्बाद करते चले जाते हैं, तो वो कौन होते हैं, वो वैंडल होते हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला। ठीक है, तीसरे पे आते हैं दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन है पर्सन हु शोज ग्रेट एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग एंथुसियाज्म फॉर अ रिलीजियस पार्टी, रिलीजियस पार्टी या कॉज, कोई भी ऐसा इंसान जो ग्रेट कॉम्प्रोमाइजिंग, ग्रेट एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग एंथुसियाज्म, अनकॉम्प्रोमाइजिंग मतलब जबरदस्त वाला एकदम से जोश किसी भी चीज के प्रति, चाहे कोई धर्म हो, चाहे पार्टी हो, कॉज हो, कारण हो, कुछ भी हो, किसी चीज के प्रति भी अगर कोई इंसान एंथुसियाज्म, अनकॉम्प्रोमाइजिंग एंथुसियाज्म, जिसको वो बदल नहीं सकता, उसको हम क्या कहते हैं, उस इंसान को कहते हैं जिलॉट, जिलॉट मींस होता है अति उत्साही, जिसमें उत्साह भरा पड़ा है, एकदम बहुत ही ज्यादा एनर्जी भरी पड़ी है, बहुत ही उत्साही है, उसको अति उत्साही कहते हैं और इंग्लिश में जिलॉट कहते हैं, तो हमारा आंसर इस वाले का ऑप्शन नंबर सी था। बाकी वैगाबॉन्ड मींस होता है घुमक्कड़, एक और छूट गया यहाँ पे गाइस, वॉकवे मींस होता है पैदल रास्ता, ऐसा रास्ता रेज्ड अबव ग्राउंड फॉर पीपल टू वॉक, आप देखते होंगे फुटपाथ
जो रोड से थोड़ा सा ऊपर बनाया जाता है फुटपाथ होता है ना, उसको हम वॉकवे कहते हैं। वॉकवे मतलब हो गया पैदल रास्ता। जैसे अगर आप इलाहाबाद से हैं तो इलाहाबाद पे जो यमुना ब्रिज बना हुआ है, उस यमुना ब्रिज में आप देखिए तो वहां पे है ना, आप लोग इलाहाबाद से है ना, यमुना ब्रिज जो यहाँ पे बना हुआ है आपका, यमुना में भी बना है यमुना ब्रिज और कहाँ बना है ना, जो एक बार आए हैं उन्हें बताया, ठीक है कोई बात नहीं। तो इलाहाबाद का जो यमुना ब्रिज है आप देखिए तो उसमें पहले तो रोड है आने जाने की, और एक साइड में एक वॉकवे बना हुआ है। वॉकवे जो होता है वो रोड से थोड़ा सा ऊंचा होता है पैदल आने जाने के लिए, ठीक है। हालांकि वहां पे लोग साइकिल चलाते रहते हैं और सेल्फी लेने के लिए आते जाते हैं, लोग बाइक भी घुसेड़ देते हैं उस वाले रास्ते में, लेकिन वो एक्चुअल में पैदल आने जाने का होता है, उसको कहते हैं वॉकवे, वॉक करने का वे, वॉकवे, ठीक है। नेक्स्ट है वैगाबॉन्ड, मींस घुमक्कड़ होता है, पर्सन हु लिव्स अ वैंडरिंग लाइफ, एक वैंडरिंग लाइफ जीता है जो इंसान, वैंडरिंग मतलब इधर उधर बस घूम रहा है, वैंडरिंग नहीं है वो, WONDER, इसका मतलब होता है आश्चर्य, है ना, आश्चर्यचकित होना। और दोस्तों WANDER वैंडर मीन्स होता है दोस्तों घूमना, ठीक है, वंडर मतलब हो गया घूमने वाला। तो गाइज यहाँ पे हो गया वर्ड, तो ये आपका वैगाबॉन्ड कहलाता है, वैगाबॉन्ड WAGABOND वैगाबॉन्ड, वैगाबॉन्ड मीन्स होता है क्या क्या होता है, घुमक्कड़ होता है, जो बहुत ही ज्यादा घूमे, जिसको कोई मतलब नहीं है, अपनी जिंदगी को घूमते फिरते वो व्यतीत कर रहा है। और लास्ट है आपके सामने, दिस इज हेयर इज द वर्ड, अपने हमेशा अपने आप को बीमार समझता है कौन, उसको हम कहते हैं वैलेट्यूडिनेरियन, समबडी हु इज एक्सेसिवली कंसर्न्ड विद हिज और हर ओन हेल्थ, जिसको लगता है कि वो बीमार है बीमार है बीमार है, हमेशा बीमार बीमार महसूस करता है, उसको होता है वैलेट्यूडिनेरियन। समझ गए, इतने सारे वर्ड्स हैं, काफी अच्छे हैं, याद रखना है। थोड़ा सा आप पूछ सकते हैं संदीप सर कैसे याद करेंगे इन सब्स्टिट्यूशंस को, मेरा जवाब है केवल प्रैक्टिस से। सब्स्टिट्यूशंस पर अगर मैं ट्रिक लगाऊंगा ना भाई साहब तो 10 स्लाइड नहीं हो पाएगी पहली बात, और दूसरी बात केवल ट्रिक से आप इसको याद नहीं कर सकते, ये प्रैक्टिस से सही होगा दोस्तों। अभी आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर लो, देखो 10, 20, 25, 50, 40 जितना भी हो पाता है उसमें आप कितने सही कितने गलत कर पाते हो, और फिर उसके बाद जो है सेल्फ प्रैक्टिस की जरूरत, ठीक है। तो गाइज उसको हम कहते हैं कौन सा, लास्ट ऑप्शन है, दिस इज वैलिड्यूडिनेरियन। अगला है अ वुमन सपोज्ड टू हैव मैजिक पावर्स यूजुअली टू डू इविल, ऐसी कोई महिला जिसके अंदर जादुई शक्ति है, खास तौर पे कुछ गड़बड़ करने वाली है ना, एकदम भूत प्रेत वाली शक्ति। आपके ऑप्शन है रैक विच वर्बेटिम एंड वॉलेंटियर, आप लोग को जैसे आंसर हो जाए ना, जैसे आप लोग हाइड कर रखते हो आंसर, जब आपका आंसर हो जाए तो आप तुरंत खोल सकते हो, मतलब पेज हटा के तुरंत देख सकते हो कि आपका आंसर सही है या गलत है ना, तो वो टाइम आप सेव कर सकते हो, फिर ध्यान से आप मुझे सुन सकते हो, ठीक। सो उसको हम दोस्तों कहते हैं, ऐसे जो है वुमेन को, महिला को हम डायन कहते हैं, डायन शब्द या जादूगरनी, ये डायन जो शब्द है ये लोग हिंदी में बोलते हैं महिलाओं को, गाली जैसा यूज करते हैं, बट एक्चुअल में ये कोई गाली नहीं है, ये एक प्रकार की चीज है ना, जैसे लोग बोलते हैं कि एकदम भूतनी लगती हो तुम, तो भूतनी फिर गाली होगी, क्योंकि भूतनी तो भूतनी है यार, भूतनी मतलब भूत की पत्नी, भूतनी मरने के बाद भूत, भूतनी भूत भूत बनता है, भूतनी भूतनी बन जाती है ना, तो लोग इसको कहते हैं हाँ चुड़ैल, अब चुड़ैल बोल दिया तो चुड़ैल का मतलब तो आप जान ही रहे हो, ये कोई गाली नहीं है, इसको बिल्कुल ऐसा ना समझें, ये केवल किसी चीज को बताने का है, लोग इसको अजीबोगरीब जादूगरनी बोलते, ऐसे तो डॉक्टर बोलते तो डॉक्टर भी गाली है ना, अब प्रिंसिपल कहते तो वो भी गाली, भाई जो है उसको वही तो बताओगे। तो वैसे ही कोई वुमेन जिसमें इविल शक्ति होती है उसको हम विच कहते हैं, जिसको हिंदी में डायन कहा जाता है, ठीक है, यानी दूसरा शब्द है इसके लिए जादूगरनी। एक्सट्रीम एंगर जिसमें होता है उसको रैथ, रैथ मतलब होता है बहुत ज्यादा वाला गुस्सा यार, ये वाला रैथ मतलब बहुत ही ज्यादा वाला गुस्सा हो, एक्सट्रीम वाला एंगर, अत्यधिक नाराजगी। फिर है आपका वर्बेटिम, मीन्स होता है वर्ड फॉर वर्ड, एक शब्द की एक एक शब्द की यथावत पुनरावृत्ति शब्दशः करना, उसको हम कहते हैं वर्ड फॉरवर्ड यानी वर्बेटिम। और लास्ट है वॉलंटियर, वॉलंटियर मींस होता है जो स्वेच्छा से काम करता है ना, अ पर्सन हु डज अ जॉब विदाउट बीइंग पेड फॉर इट, बिना पैसे लिए कोई अपनी इच्छा से कोई काम करे, जैसे आप देखेंगे वॉलंटियर्स आपको दिख जाएंगे दोस्तों, वॉलंटियर्स आपको दिख जाएंगे जब कभी भी कोई फंक्शन होता है, अगर कोई गाँव से है तो गाँव में आप बहुत होता है, खैर कोई फंक्शन है किसी के यहाँ, कुछ भी छोटा मोटा फंक्शन है या कोई शादी है गांव में, गांव से फंक्शन है और अपने ही लोगों को काम करना है, गांव में जैसे बैठा के खाना खिलाते हैं, दरी बिछा देंगे और उसी पे बैठा के लोगों को खाना खिलाते हैं,
तो आप देखिए सब मोहल्ले वोहल्ले के सब लड़के इकट्ठे हो जाते हैं और खाना खिलाते, कोई मटर पनीर परोस रहा है, कोई दम आलू परोस रहा है, कोई कुंडे की सब्जी परोस रहा है, कोई रोटी ला रहा है, पूरी ला रहा है, तो वैसे करके वो चीज, तो वो क्या है दोस्तों, वो है हमारे वॉलंटियर्स, ठीक है। और आपको वॉलंटियर्स दिख जाएंगे जो बाबा लोग होते हैं उनके आश्रम, बहुत वॉलंटियर्स हैं बिना पैसे के काम करने वाले, ठीक है। तो अच्छी चीज है ये सारी चीजें सारे हो गए। नेक्स्ट, टू रिफ्यूज टू गिव समथिंग टू समबडी, किसी को कुछ देने से मना करना, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्यूज कर दिया टू गिव समथिंग, कुछ देना टू समबडी किसी को, यानी किसी को कुछ देना था देने से मना कर दिया, क्या कहलाएगा आपके ऑप्शन, टू रिफ्यूज टू गिव समथिंग टू समबडी, विथ होल्ड कहलाता है, रोक रखना कहलाता है, आप उसको होल्ड कर लिए तो विथ होल्ड हो गए, ठीक है। फिर विटी मतलब होता है तेज दिमाग, तीक्ष्ण बुद्धि या तेज दिमाग, दैट इज विटी, यूजिंग वर्ड्स इन अ क्लेवर एंड फनी वे, किसी शब्द का इस्तेमाल करना बहुत ही क्लेवर और फनी तरीके से, उसको हम विटी कहते हैं, मतलब बहुत ही तेज दिमाग को हम विटी कहते हैं दोस्तों। तीसरा शब्द है आपके लिए, दिस इज वेंट्रिलोक्विस्ट, तरह तरह की जो आवाजें निकालने वाले होते हैं ना उसको कहते हैं, मतलब एन एंटरटेनर हु कैन स्पीक विदाउट मूविंग देयर लिप्स एंड मेक्स इट लुक एज इफ देयर वॉइस इज कमिंग फ्रॉम अ पपेट, आपने कोई देखा होगा यार ऐसा है ना, मुख से आवाज निकालते हैं लेकिन भाई साहब लिप्स नहीं हिलाते तो वो ऐसा लगता है कि पपेट से आवाज आ रही है, अरे ऐसा तो देखा होगा, जोकर नहीं होता पागल, आपने इस टाइप से देखा होगा ना, वो ऐसे हाथ में गुड़िया ऐसे करके पहन लेंगे, ऐसे करके तो ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे है ना, ऐसे ऐसे करके उसके हाथ हाथ को, आप लोग भी इस टाइप से देखा होगा, ऐसे गुड़िया गुड़िया को बुलवाते हैं इस टाइप से करके और इस हाथ से उसके बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं ऐसे ऐसे करके, मल्टीपल जो है डोरियां बंधी होती है तो उससे बॉडी मूवमेंट कंट्रोल होता है ऐसे ऐसे करते हैं, इसी को वेंट्रिलोक्विस्ट कहते हैं। वेंट्रिलोक्विस्ट देखो एल ओ क्यू शब्द दिया हुआ है, इसका मतलब होता है बोलना, किसी भी शब्द के अंदर अगर आपको एल ओ क्यू दिख जाए तो समझ जाना, कहीं भी दिखे शुरुआत मिड एंड कहीं भी दिखे तो इसकी एक ही मीनिंग होती है दोस्तों, बोलना, उस शब्द का अर्थ बोलने से संबंधित है। एन एंटरटेनर हु कैन स्पीक विदाउट मूविंग देयर लिप्स, एक एंटरटेनर जो बोल सकता है बिना अपने लिप्स को मूव किए हुए, बिना लिप्स को मूव किए हुए जो बोलता है और दूसरों को एंटरटेन करता है उसको कहलाता है। अगला है This is velodrome, a track designed for cycling. Cycling के लिए जो track design होता है, देखो पैदल चलने का जो track था that was walkway. Cycle चलाने का जो track होता है उसको हम velodrome कहते हैं। Velodrome क्या होता है? अगर आप में से कोई लखनऊ से हो, लखनऊ से, तो उसको पता होगा लखनऊ में क्या है कि side side footpath बनाए गए हैं, walkway है, इधर से जाने की road, इधर से आने की road, और एक बीच में है दोस्तों जहां पर केवल साइकिल जा सकती है, तो वो साइकिलिंग पैथ है, साइकिलिंग के लिए वो पैथ है, उसको हम कहते हैं वेलोड्रोम। वेलोड्रोम का मतलब होता है दोस्तों साइकिल चलाने का जो रास्ता होता है। अच्छा, ये क्यों बनाया जाता है? क्योंकि साइकिल चलाने के लिए इसको इसलिए बनाया जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग केवल जाते हैं एक्सरसाइज के लिए, साइकिलिंग के लिए, वो साइकिलिंग के लिए जब लोग जाते हैं तो उस वो जो रास्ता बनाया गया इसलिए कि ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो, साइकिलिंग के लिए इसमें से लोग जहाँ एक्सीडेंट हो जाए तो इसलिए इसको बनाया जाता है कि एक्सीडेंट ना, लोग अपना अलग अलग रहें, दिस थिंग इज नोन एज, है ना, क्योंकि साइकिल की स्पीड रोड पे उतनी नहीं हो पाएगी जितनी गाड़ी की, तो मान लीजिए कहीं इधर उधर ओवरटेक करने में टक्कर छू गई तो फिर हो गया, तो इसलिए इसको बनाते हैं, इसलिए वेलोड्रोम कहलाता है साइकिल चलाने का रास्ता, ठीक है। अ सडन डिजायर टू चेंज ऑफ माइंड, एक अचानक डिजायर टू चेंज ऑफ माइंड, स्पेशली वन That is unusual or unexpected. क्या कहलाता है? चार options हैं, visionary, vacuous, zentip and whim. Guys, उसको हम whim कहते हैं। मनमौजी पूर्ण है। Sudden desire उसको हो गया, है ना? Especially one that is unusual or unexplained. जो unusual है, unexplained है। बोल नहीं बता नहीं पाएगा कि क्यों कैंसिल किया, सडन डिजायर हो गया कि माइंड बदल गया यार मैं नहीं जा रहा, जैसे अचानक मान लो कहीं जाने का प्लान है, ठीक है, सारे लोग तैयार हो रहे, अचानक लास्ट मोमेंट पे उसने कहा अरे यार मैं नहीं जा पाऊंगा, सॉरी यार मैं नहीं जा पाऊंगा, तो वो जो सडन डिजायर सडन चेंज हुआ है उसको हम विम कहते हैं, मनमौजी या सनक, ठीक है। तो ये होता है हमारा A quarrelsome woman को हम जैंटिप कहते हैं, जैंटिप मीन्स होता है लड़ाकू स्त्री, XANTIPPE, अच्छा शब्द है, लिख लो यार स्पेलिंग याद करो, XAN जैन हो गया, TIT हो गया और डबल PE जैंटिप, राइट एवरीवन, तो जैंटिप मीन्स होता है quarrelsome woman, एक ऐसी महिला जो quarrelsome,
क्वेरलसम से याद आया, क्वेरलसम की कुछ और सिनोनिम दे सकते हैं आप? बताइए, केओस नहीं होता, क्विकली एवरीवन फास्ट, फाइट हो जाएगा, बेलिकोज, यही सब पूछ रहा था मैं, बेलिकोज, बेलिजरेंट, बेलिकोज, बेलिजरेंट लिख लीजिएगा, ये सभी, ये सारे शब्द हमारे यहां पे सिनोनिम्स आते हैं। वेरी गुड, पीवीश वगैरह का मतलब झगड़ा नहीं होता बेटा। अब बाकी ऑप्शंस देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन, वैक्यूअस का मतलब है नॉट एक्सप्रेसिंग और शोइंग इंटेलिजेंट थॉट और पर्पस, वो वैक्यूअस होता है जो विचारहीन है। वन हू रियलाइजेस द फ्यूचर सिचुएशन वाइजली, उसको विजनरी कहते हैं। फ्यूचर सिचुएशन को वाइजली वो रियलाइज करता है, उसको उसको विजनरी, या सिंपल है, विजनरी का मतलब क्या है, जो विजन को पहले से विजन कर ले, मतलब पहले से विजुअलाइज कर ले भविष्य को, उसको विजनरी तो कहेंगे, तो सिंपल। नेक्स्ट पे आइए, एन ऑकेजन व्हेन एन इंपॉर्टेंट पर्सन वॉक, ओके, वेरी गुड, एन ओकेजन व्हेन एन इंपॉर्टेंट पर्सन वॉक्स अमंग ऑर्डिनरी पीपल टू मीट एंड टॉक टू देम, एक ऐसा ओकेजन जब एक इंपॉर्टेंट पर्सन वॉक करता है अमंग ऑर्डिनरी पीपल टू मीट एंड टॉक टू देम, लोगों के बीच में जाकर उनसे बात करने के लिए, वो कहलाता है दोस्तों वॉक अबाउट मीन्स हो गया आम जनता, राजा के आम जनता से मिलने की प्रक्रिया। जैसे अभी आजकल आप एक चीज देखते होंगे दोस्तों कि कभी कभी सुनने में आता है कि योगी आदित्यनाथ जी जो है वो अपने जनता दरबार में जाते हैं और जनता से बात करते हैं, है ना, जनता दरबार में जाते बात करते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो योगी आदित्यनाथ जी के लिए आप बोल सकते हैं कि उस समय का वो जो मोमेंट है, दैट ऑकेजन इज नोन एज वॉकअबाउट। वॉकअबाउट का मतलब हो गया राजा के आम जनता में मिलने की प्रक्रिया। दूसरा है दोस्तों वेंडेटा, वेंडेटा का मतलब होता है दुश्मनी, फ्यूड इन विच द रिलेटिव्स ऑफ द डेड और इंजर्ड टेक रिवेंज, यानी कि एक ऐसी दुश्मनी जिसमें मान लीजिए किसी को आपने चोट पहुंची है, वो आपसे बदला लेगा या उसका परिवार आपसे बदला लेगा, तो उसको हम वेंडेटा कहते हैं। मैंने याद नहीं कराया कि वेंडेटा वन देवता है ना, वन देवता, वन देवता से दुश्मनी मत लो, नहीं तो बाढ़ ओढ़ा ला देते हैं। नॉट वेरी सीरियस एंड देयरफॉर एबल टू बी फॉरगिव, not very serious and therefore able to be forgiven, kis cheez ka off mistake, usko venial kehte hain, venial means hota hai mamooli galti, that is venial, a decision is taken by the votes of all, sabhi ke votes ke dwara jab koi decision liya jata hai to usko hum unanimous kehte hain, unanimous means hota hai sarvasammat, sabki mati ke sath, sabne mat apna de diya, vote de diya, ha isko isko isko, fir uske baad decision diya jayega, is known as unanimous। So guys ye rahe aapke sare ke sare options, theek hai, done। नेक्स्ट पे आइए, अ लेडी हुज हस्बैंड इज डेड, एक ऐसी महिला जिसके पति की डेथ हो गई है उसको हम क्या कहते हैं, बताइए। चार ऑप्शन है, वेलोसिटी, वेम्पायर, वेहमेंट एंड विडो, उसको विडो कहते हैं दोस्तों, उसको विडो कहते हैं, उसको विडो कहते हैं। बाकी देखिए, वेलोसिटी मीन्स होता है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वन डायरेक्शन, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड एक ही डायरेक्शन में, उसको हम कहते हैं दोस्तों वेलोसिटी, किसी दिशा में, एक दिशा में किसी चीज की गति को हम वेलोसिटी कहते हैं, ठीक। अ कॉर्प्स दैट राइजेस नाइटली फ्रॉम इट्स ग्रेव टू ड्रिंक द ब्लड, ओ माय गॉड, ऑफ द लिविंग, ओ माय, उसको वैम्पायर कहते हैं। वैम्पायर मतलब एक ऐसा मुर्दा जो अपने कब्र से रात को जागता है और जाके लोगों का खून पीता है, वो वैम्पायर होते हैं, वैम्पायर। एक आपने मूवी इस टाइप की देखी होगी जिसमें, अरे वो लोगों को दांत काटते चले जाते हैं और लोग जो है उस वायरस का शिकार होते चले जाते हैं, क्या है वो, कौन सी मूवी है, ड्रैकुला नहीं यार, वैम्पायर नहीं,
नहीं, ट्रेन टू बुशान वो क्या बन जाते हैं, हाँ मूवी बड़ी खतरनाक है, ट्रेन टू बुशान, सही कह रहे हो, मैंने देखी है, वो बन क्या जा रहे थे सभी, जॉम्बी, मैं जॉम्बी शब्द पूछ रहा था, जॉम्बी, या इट्स जॉम्बी, इट्स नॉट जॉम्बिक, इट्स जॉम्बी, बी आई ई, जॉम्बी, जेड ओ एम बी आई ई, दिस इज जॉम्बी, है ना। तो गाइस वो भी तो वही सीन है कि ऐसे करके आए हैं, काट लेंगे कहीं भी बॉडी में, कहीं भी काट लें, काटने के बाद सेम वायरस जैसे ही आपके बॉडी में गया, तुरंत आप भी ऐंठने बरने लगोगे, है ना, जॉम्बी बन जाओगे। अरे कमजोर दिल वालों मत देखना ट्रेन टू बुशान, गलती से भी मत देख लेना। हाँ नेक्स्ट पे आई दोस्तों, शोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग स्पेशली एंगर, उसको वेहमेंट कहते हैं, प्रचंड कहलाता है वेहमेंट, स्ट्रॉन्ग फीलिंग स्पेशली एंगर, गुस्से को प्रकट करना, उसको वेहमेंट कहलाता है, प्रचंड एकदम वाला, ठीक है। नेक्स्ट पे कोई छुटा है क्या, नहीं तो सही है। नेक्स्ट पे आई दोस्तों, अ पर्सन हु इज एक्सट्रीमली स्किलफुल एट डूइंग समथिंग स्पेशली प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक पर्सन जो बहुत ही स्किलफुल है खासतौर पर किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने में। ऑप्शंस हैं वर्सो, वर्चुअसो, वेस्पर्स एंड विंडी ट्यूब। वेरी गुड, उसको कहते हैं वर्चुअसो, कला में निपुण कहलाता है वो, वर्चुअसो। वहीं पर वर्सो मीन्स होता है एनी लेफ्ट हैंड पेज ऑफ एन ओपन बुक, किसी किताब, किसी खुली किताब का जो लेफ्ट हैंड का पेज होता है उसको हम वर्सो कहते हैं, वाम पृष्ठ, समझ रहे हैं। इवनिंग प्रेयर इन द चर्च को हम वेस्पर्स कहते हैं, चर्च की शाम की प्रार्थना जो होती है। हैविंग और शोइंग अ डिजायर फॉर रिवेंज, उसको हम विंडिक्टिव या वेंजफुल कहेंगे दोस्तों, प्रतिशोध हिंदी में कहलाता है। सारे ऑप्शंस हो गए, इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल है, सभी ध्यान से देखते चलिएगा। राइट एवरीवन, नेक्स्ट पे आइए, स्पीक इन अ वेरी लो टोन, बहुत ही लो टोन में बोलना, ये क्या कहलाएगा दोस्तों, स्पीक इन अ वेरी लो टोन। हरी अप गाइस, उसको विस्पर कहते हैं, स्पीक इन अ वेरी लो टोन का मतलब होता है फुसफुसाना। आपने देखा नहीं लोगों को फुसफुसाते हुए, जैसे कोई प्रोग्राम चल रहा है, बगल वाले को बगल वाले से बात करना था, ऐसे दोनों मुंडी जोड़ते सीधा हो गए, वो विस्पर कहलाता है। विस्पर, अ मैन हुज वाइफ इज डेड, जिसके वाइफ की डेथ हो गई है, वो इंसान विडोवर कहलाता है, जिसको हिंदी में विधुर कहते हैं। और अगर ईआर हटा दोगे तो बच्चे का डब्ल्यू आर डी ओ डब्ल्यू डब्ल्यू, विडो, विडो का मतलब होता है विधवा, और ईआर जोड़ दोगे तो विधुर का मतलब होता है विधुर, ठीक है, विडोवर का। पेमेंट ऑफ वर्क डन स्पेशली फॉर लेबर ऑफ, ठीक है, मैकेनिकल काइंड, है ना, उसको हम वेजेस कहेंगे। And last is showing or motivated by susceptibility to bribery, उसको हम विनर कहते हैं, हिंदी में घूसखोर कहेंगे। तो ये रहे आपके सारे ऑप्शंस, I hope you got this point completely, ठीक है। नेक्स्ट पे आई दोस्तों, चेंज वंस माइंड टू क्विकली, जो अपने माइंड को तुरंत चेंज हो कर ले। बताइए, उसको हम वैसिलेशन कहते हैं, दैट विच कैन नॉट बी अवॉइड, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल। फुलिशली फॉन्ड ऑफ वंस वाइफ, बेवकूफों की तरह अपनी पत्नी का गुलाम, जोरू का गुलाम, एग्जोरियस या हैंडपेक्ड, जोरू का गुलाम। आपके घर में अगर कोई जोरू का गुलाम दुखी है, मम्मी पापा भाई कोई भी, तो आप उसको हैंडपेक्ड कह सकते,
या तो आप एग्जॉरियस कह सकते हैं. अ वायलेंट स्टॉर्म ऑफ द, है ना, अ वायलेंट स्टॉर्म, द स्पीड ऑफ द पीस म्यूजिक, उसको टेम्पो कहते हैं, संगीत की गति. ठीक है, सारे ऑप्शंस हो गए. हिंदी किसकी समझ में नहीं आई बेटा? आने देखो, अपरिहार्य ना समझ में आए तो हटाओ, अनअवॉइडेबल तो समझ रहे हो ना, खत्म, है ना, बस, तो बस खत्म. एन अब्यूजिव वुमन, एक ऐसी महिला जो गाली दे रही है, गाली गरियाए पड़ी है, गरियाए पड़ी है, गाली दे पड़ी एकदम, मां बहन भाई ससुर सास सबको गरियाए पड़ी एकदम से किसी के, उसको कहते हैं विरागो. विरागो मीन्स होता है बुरा व्यवहार करने वाली औरत. ठीक. एन इमेजिनरी प्लेस और स्टेट इन विच एवरीथिंग इज परफेक्ट, यूटोपिया कहलाता है. इमेजिनरी प्लेस और स्टेट, कोई भी इमेजिनरी प्लेस या स्टेट जिसमें एवरीथिंग इज परफेक्ट, राइट, इज नोन एज यूटोपिया. ठीक है. नेक्स्ट है स्टेटमेंट मेड इन एक्नॉलेजमेंट, ग्रेटिट्यूड और एडमायरेशन, उसे हम कहते हैं दोस्तों ट्रिब्यूट, है ना, ट्रिब्यूट यानी कि श्रद्धांजलि. विच इज ऑफन रिपीटेड, उसको ट्रोइज्म कहते हैं, श्रद्धा, जो बार बार कोई भी ट्रुथ जो विच इज ऑफन रिपीटेड, बार बार रिपीट होता है, उसे हम कहते हैं. ठीक है. विरागो एंड जैंटिव अलग अलग है. विरागो में क्या है कि आदमी औरत जो है वो गाली दे रही है, जैंटिव में गाली नहीं दे रही, केवल झगड़ा कर रही है, तो दोनों अलग अलग चीज है. गाली ना दे, केवल झगड़ा करे, तो तुम्हारी जैंटिव है. एंड विरागो क्या है भाई साहब, गाली गाली भी दे रही, झगड़ा भी कर रही है, दबा के वाली. यूजिंग मोर वर्ड्स देन नीडेड, ज्यादा शब्द, जरूरत से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल, सुपरफ्लुअस यार. जरूरत से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल, उसको हम कहते हैं दोस्तों सुपरफ्लू या वर्बोस. सुपरफ्लूस या वर्बोस, हिकअप्स क्यों आ रही है. वन हू लेंड्स मनी एट एग्जाम, हाँ ओके, सो वन हू लेंड्स मनी एट एग्जाम इंटरेस्ट, जो ब्याज पे पैसे देता है उसको हम साहूकार या यूजरर कहते हैं. अब वायलेंट स्टॉर्म को हम टेम्पेस्ट कहते हैं. वायलेंट स्टॉर्म बहुत ही ज्यादा वाला तबाही मचाने, अ पर्सन हु पेज अ रेंट फॉर द यूज ऑफ अ रूम. ठीक है, फॉर द यूज ऑफ अ लैंड, फिर कहां गया, उसको हम क्या कहते हैं, उसको टेनेंट कहते हैं. पर्सन हू पेज रेंट, किराएदार, जिसको हम कहते हैं किराएदार, वो किराएदार होता है, किराएदार होता है, किराएदार होता है, टेनेंट होता है, टेनेंट. ठीक है. अगला, ही वन हू ईट्स ओनली वेजिटेबल्स, जो केवल सब्जियों सब्जियां खाता है, मांस नहीं खाता, क्या कह जाता है, वो कह रहा था वेजिटेरियन, शाकाहारी. दैट विच कैन नॉट बी सेंट बाय पोस्ट, जिसको आप पोस्ट से नहीं भेज सकते हो. अनमेलेबल, डाक से ना भेजा जाने वाला. अ फ्रेमवर्क सपोर्टिंग अ रूफ, ब्रिज स्ट्रक्चर, उसको हम ट्रस कहते हैं, टेक या अलवार. आप लोगों ने जिसे घरों में देखा होगा, जब कभी कोई छत बनती है ना, तो एक बल्ली सटा देते हैं, प्लाई को लगाते हैं नीचे, बल्ली बल्ली टिका देते हैं ना, ताकि वो प्लाई ना गिरे, और उस पर सटरिंग बढ़िया से बांध, तो वो सटरिंग जो हो जाती है ना, उसको ट्रस कहते हैं. टेक या अड़वा, है ना, अड़वार छोड़ो, तुम टेक समझ रहे हो, बस वही है. हिंदी में और अड़वार कहते हैं, पता नहीं क्या मतलब. इंक्लूडिंग मच डिसऑर्डर, बहुत ही ज्यादा डिसऑर्डर हो यार, अफरा तफरी फैला, जो टर्बुलेंट कहते हैं, अशांत है माहौल सब कुछ, राइट एवरीवन, दैट इज टर्बुलेंट. एसएससी एग्जाम पे सर आज कॉल करोगे, तुम कौन सी
लोग कौन से कॉल की बात कर रहे हो? डाउट सेशन चल रहा है क्या भाई? एसएससी एग्जाम खामखा ब्लॉक कर ले जाओगे तुम, नियम तोड़ते हो जो। हाँ, जो डाउट्स हो तुमको डाउट सेशन में पूछना है कहीं भी। बाकी सर ऐसे करते हम नहीं करेंगे बेटा, हम केवल इसी क्लास के डाउट्स को इसी क्लास में बताएंगे, बाकी सारे डाउट्स को डाउट सेशन में बताएंगे। ये हमारी क्लास का नियम है भाई, हम अपनी क्लास कभी भी खराब नहीं करते, डिस्टर्ब नहीं करते, ठीक है। ये नहीं कि कभी भी यहाँ सर सर इधर छोड़े और कॉल आपकी पिक कर ले, यार बड़ा इरिटेटिंग लगेगा बाकी बच्चों को कि सबका माइंडसेट है इस क्या और हम आपकी कॉल उठा लें। सर मेरे को इंग्लिश समझ में नहीं आती, कहां से शुरू करूं? अब संदीप सर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे हैं, अब ये सवाल का जवाब दे बेटा, ये चीज नहीं कर सकते, ठीक। यही मेरा नियम है, क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी बस। तो प्लीज कोऑपरेट कीजिए मुझे खामखा, क्योंकि आप बच्चे लोग हो, नियम को फॉलो। अब दूसरा कोई नया बच्चा आता है उसको नहीं पता है तो उसे बताइए आप लोग, ठीक है। बाकी सर कैसे करते हैं वो अपना, सर का अपना तरीका है, मैं नहीं करता, ये मेरा अपना तरीका है, ठीक है। जरूरी नहीं कि जो सर करे वो हम करें या हम जो कर रहे हैं वो सर करें, ऐसा कुछ नहीं। हाँ थोड़ा स्लो कर लेते हैं, चलो ठीक, चलो ये हो गया। नेक्स्ट पे आई, वन हु पजेस मेनी टैलेंट, जिसमें बहुत ज्यादा टैलेंट होता है, बहुत ही ज्यादा। हाँ बहुत, हर तीन क्लास के बाद एक डाउट सेशन लगा रखा है, फिर भी परेशान रहते हैं आप लोग हर क्लास में अजीबोगरीब सवाल लेके। नेक्स्ट गाइस, जो बहुत सारे, जिसके अंदर बहुत सारे टैलेंट्स होते हैं ना, उसको कहते हैं बहु प्रतिभाशाली, है ना। तो गाइस हमारे पास ये है, प्रतिभाशाली नहीं होता है, प्रतिभाशाली होता है, इसको प्रतिभा करो, ठीक है। वर्सेटाइल कहते हैं, VERSATILE, वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मतलब होता है प्रतिभाशाली, ठीक है। डिसएग्रीएबल ऑफ द सेंसेस टू द माइंड और फीलिंग, उसको हम कहते हैं डिसएग्रीएबल ऑफ द सेंसेस टू द और फीलिंग, को अनप्लीजेंट है, एग्रीएबल ही नहीं है, आपका माइंड उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो चीज आपके लिए आकर्षक नहीं, अनाकर्षक हो जाएगी। Tending to keep a firm hold of something, tenacious, दिल पकड़ बनाए रखने वाला, tenacious, tenacious भी होता है जिद्दी, ठीक है। And last we have a wealthy, powerful person in business or industry is known as tycoon. किसी business या किसी industry में जो powerful person होता है उसको tycoon बोला जाता है, धनी व्यवसाय, TYCOON, tycoon. Next slide. A person who has a lot of experience in a particular area or activity. एक ऐसा इंसान जिसके पास किसी particular area or activity का बहुत experience है, उसे क्या कहते हैं? Unique, usable, veteran and this is travelogue. कौन सा सही है? Veteran कहलाता है, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया, अनुभवी है, है ना, लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस है किसी पर्टिकुलर एरिया या एक्टिविटी का, तो वो जाहिर सी बात है वो वेटरन होगा। द ओनली वन ऑफ इट्स टाइप, इसी के टाइप का ये अपना एक लौता है, कोई दूसरा है ही नहीं, यही एक पीस है, दूसरा पीस है ही नहीं, तो वो पीस कहलाता है यूनिक, अनोखा, गॉट इट। A person who takes somebody's position and of power without having the right to do this, उसको usurper कहते हैं, अनाधिकार ग्राही, मतलब कब्जा कर लिया दूसरे की चीज का। Detail plan of a journey, that is travelogue, यात्रा का विवरण। आप लोगों ने देखा होगा, लोग travel करते हैं तो बोलते हैं कि पूरा हम यहाँ, पहले यहाँ जाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ बस पकड़ के यहाँ जाएंगे, ऐसे। तो ये जो यात्रा विवरण है ना, उसको ट्रेवलॉग, ठीक है। One who treats animals, जो जानवरों का इलाज करे, जानवरों को ट्रीटमेंट दे, क्या कहलाएगा? ट्रिमर, टेलीस्कोप, वेटेरिनेरियन या वल्पाइन।
वेरी गुड, उसको हम कहते हैं वेटेरिनेरियन, जानवरों का चिकित्सक। सब पे रूट नहीं है बेटा, रूट सभी में नहीं है, जिसमें है उसमें समझा दे रहा हूं, जिसमें रूट ही नहीं सब। अब जैसे वेटेरिनेरियन, कोई रूट नहीं है इसका, कोई रूट नहीं है, ये वर्ड ही है, याद करना पड़ेगा। दैट विच लुक लाइक अ फॉक्स, उसको वल्पाइन कहते हैं, जो लोमड़ी के जैसा दिखे। Got it? An involuntary quivering movement, tremor के कंपन या थरथराहट, involuntary quivering movement, एकदम थरथराहट वाली, कांपती हुई वाली मूवमेंट आ रही। इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट्स एट अ डिस्टेंस, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो दूर के ऑब्जेक्ट को देखने में आपकी मदद करता है, उसको हम कहते हैं टेलीस्कोप। सारे ऑप्शंस हो गए। नेक्स्ट, अ नंबर ऑफ बुलेट्स एरोज और अदर प्रोजेक्टाइल्स डिस्चार्ज्ड एट वन टाइम, बिल्कुल सही। अ नंबर ऑफ बुलेट्स एरोज और अदर प्रोजेक्टाइल्स डिस्चार्ज एट वन टाइम, उसको हम कहते हैं दोस्तों वॉली, बड़ी संख्या में फायरिंग या चीजें फेंक, डिस्चार्ज एट वन टाइम, एक ही समय में तेज। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, बाहुबली मूवी देखी होगी आप लोगों ने, कि जब बाहुबली की माँ को, बाहुबली की माँ को भल्लाल देव उठा के लेके जाता है युद्ध स्थान से, उठा के लेके वापस जाता है, पैर के नीचे रख के उसका सर, देखा होगा मूवी। तो जब वो एकदम गेट पे पहुंच जाता है तो ढेर सारी तीर इकट्ठा ऐसे करके चली आ रही होती है, तो ऐसे करके फिर बाहुबली प्रोटेक्ट करते हैं लोग, वो चीज कहलाती है वॉली। एक नंबर ऑफ बुलेट एरोज और अदर प्रोजेक्टाइल्स, कोई भी चीज डिस्चार्ज एट वन टाइम, एक ही समय में डिस्चार्ज की गई हो, सब एकदम खत्म एक ही बार, इज नोन एज वॉली। दूसरा वर्ड है This is highly poisonous effect को virulent कहते हैं, जहरीला होता है, virulent means होता है दोस्तों जहरीला, virulent means होता है जहरीला। तीसरा dictionary of synonym को thesaurus कहते हैं, thesaurus समान अर्थों की किताब thesaurus कहलाती है। And logical means होता है tenable, बड़ी logical, तो tenable हो जाएगा दोस्तों। सारे options हो गए, that's great। Let's have next question. This is possible to defeat. हराना संभव। Options है tantrum, feast, vincible and vulnerable. Vincible correct answer होगा, जिसे हराया जा सके, और जिसे हराया ना जा सके उसको invincible कहते हैं। जिसको हराया ना जा सके उसे हम invincible कहते हैं, और जिसे हराया जा सके उसे हम vincible कहते हैं। ठीक है, वीक एंड इजली हर्ट फिजिकली और इमोशनली, उसको हम कहते हैं वल्नरेबल, आघात योग्य। अ पर्सन हु बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान के अस्तित्व पर यकीन करता है वो थीस्ट है, और जो यकीन नहीं करता वो अथीस्ट है। फिट ऑफ बैड टेंपर और एंगर, उसको हम टेंट्रम कहते हैं, झल्लाहट। ठीक, डन, Getting everyone? आ रहे समझ में? Next देखो, आंसर होता है। Of one's own free will, स्वेच्छा से, voluntary तो है, volunteers ही तो होंगे, स्वैच्छिक। A long journey by water or sea, उसको वॉयज कहते हैं, समुद्री यात्रा, जैसे टाइटेनिक डूबी थी क्योंकि वो वॉयज पे थी। हम ये नहीं कह सकते कि समुद्री यात्रा, देखो एक होता है वॉयज समुद्री यात्रा, एक होता है ट्रेक, TREK, ट्रेक होता है एडवेंचरस, ऐसी कोई यात्रा जो बहुत ही एडवेंचरस होती है उसको हम ट्रेक कहते हैं, TREK, और बाकी जर्नी वगैरह हो गई यात्रा जैसे नॉर्मल होती है वैसी।
अभिषेक मैंने बोला है बेटा आंसर को हाइड करके बताना है, अभिषेक आंसर बेटा हाइड करना है, वो सेम स्लाइड में लगाया हुआ है, ठीक है? हाँ, सभी हाइड कर करके कर रहे हैं। तो जो समुद्री यात्रा होती है उसको वॉयज कहते हैं, जैसे टाइटेनिक वॉयज पे गई थी, डूब गई, टोटल 2000 लोग थे, 450 बचाए गए, 1500 लोग डूब गए थे उस टाइटेनिक डूबने से, 1500 लोग 1918 में, कि 1919 में कब डूबी थी यार टाइटेनिक, कब डूबी थी? अठारह में यार, 82 में कहां डूबी थी बात, 2016 में डूबी थी टाइटेनिक। अच्छा हाँ, तुम्हारे मोहल्ले में डूबी होगी फिर 2016 में, ठीक है? चलो 1913 कोई श्योर नहीं हो, देख लेना थोड़ा सा, 1912 में शायद डूबी थी या 18, कुछ ऐसी है, एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा। चल वो एस हो गया गाइस, अ पर्सन हु अब्सटेंस फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ अल्कोहल ड्रिंक्स, जो किसी भी प्रकार के नशीली ड्रिंक नहीं लेता, बियर दारू कुछ ना पीता भाई साहब, उसको टीटोटलर कहते हैं, टीटोटलर मींस होता है दोस्तों जो सारे नशा नहीं करने वाला, नहीं करता। अ पर्सन हु सेल्स टोबैको, जो टोबैको बेचता है उसको हम कहते हैं टोबैकोनिस्ट, टोबैकोनिस्ट तंबाकू बेचने वाला, टोबैकोनिस्ट। देन नेक्स्ट पे आइए, बियरिंग लिविंग यंग वंस एंड नॉट एग्स, जो अंडे नहीं पैदा करता बच्चे पैदा करता है उसको क्या कहते हैं? ये चिड़िया लोग अंडे देती, जानवर क्या देते भाई साहब? बच्चे देते हैं, चिड़िया अंडे देती, उसको कहते हैं वीवीपेरस, बच्चा पैदा करने वाला, वीवीपेरस कहलाता है, वीवीपेरस मींस होता है बच्चा पैदा करने वाला। दूसरा है अ कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन और प्लान इज नोन एज वोल्टेफेस, आकस्मिक परिवर्तन, कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन है, कंप्लीट चेंज है तुरंत। नेक्स्ट है द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग स्किन ऑफ एनिमल वर्ल्ड फिश एटसेट्रा, यानी कि जानवर हो गया, फिश हो गया, एनिमल हो गया, बर्ड हो गया, इनकी स्किन को प्रिजर्व करके रखने को हम कहते हैं टैक्सीडर्मी। स्टडी ऑफ पॉइजन्स इज नोन एज टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है? सारे ऑप्शंस हो गए। Thing that can be seen and touched, जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, tangible, और जिसको देख और छू नहीं सकते वो क्या होती है? Intangible, बिल्कुल सही कहा आपने, वो intangible है, जिसको देख छू नहीं सकते, और जिसको देख छू सकते हैं वो tangible है। पावर ऑफ रीडिंग थॉट्स ऑफ अदर्स, दूसरों के थॉट को रीड करने की शक्ति अगर किसी में, तो उसमें क्या है? टेलीपैथी है उसमें, दूर संवेदन। गाइस टेलीपैथी का मतलब मैं आपको बताता हूँ, ये रूट है, टेले का मतलब होता है फार, FAR, फार यानी कि दूर, टेली की मीनिंग होती है दूर, एंड पैथी तो टेलीपैथी दूर की चीज है, पैथी पैथोस से बना हुआ है, टेलीपैथी दूर संवेदन यानी दूर की अनुभूति करना, दूर की चीजें को महसूस कर लेना, ठीक है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक सीरियल आया करता था शक्तिमान, हमारे टाइम में हमारे बचपन में था शक्तिमान, एक सीरियल आया करता था, तो शक्तिमान में जो गीता विश्वास थी वो शक्तिमान को बुलाती थी, ऐसे आंख बंद करती थी, शक्तिमान शक्तिमान क्या तुम मुझे सुन रहे हो? शक्तिमान शक्तिमान तो बोलता था हाँ गीता बोलो मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, शक्तिमान मैं यहाँ तो बड़ी मुसीबत में हूँ, प्लीज मुझे निकालो, मेरी स्कूटी का पेट्रोल खत्म हो गया है और मेरे पास
पैसे नहीं है इतना महंगा पेट्रोल भराने का, तो प्लीज आ जाओ जल्दी से रोड के टैंकी से पेट्रोल डाल दो, तो ऐसे कर ये मन में जो बात किया करती थी ना वो चीज को कहते हैं टेलीपैथी। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, टॉक दैट ब्रिंग बैड रेपुटेशन ऑफ समबडी उसको हम कहते हैं स्कैंडल। बैड रेपुटेशन ऑफ समबडी, ऐसी टॉक जो ब्रिंग करती है खराब रेपुटेशन, बदनामी कहलाता है। अ जॉब दैट यू आर पेड फॉर इवन थॉट ऑफ इन्वॉल्विंग लिटिल और नो वर्क उसको हम सिनेक्योर कहते हैं, आराम की नौकरी। एक ऐसी जॉब जिसमें तुम्हें दिया जा रहा है पैसा और कुछ कर नहीं रहे हो, तो तुम क्या हो दोस्तों, तुम सिनेक्योर हो, आराम की नौकरी। Got it? Next pair. A group of these books, एकदम आराम आराम से करा रहा हूं, रुक रुक के करा रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से करो, पीडीएफ आपके पास ही होगी, टेंशन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, A group of three books, films, movies, तीन का है, that have the same object or character. A group of three books, films, movies, etc. That have the same object or character. वो कहलाता है दोस्तों ट्रिलॉजी। थ्री बुक्स है ना, तो समझ लेते ट्री या ट्राई, जो भी कहें ट्रायलॉजी। ये ट्राई शब्द तो चाहिए ही चाहिए, ट्रायलॉजी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी भी किसी में नहीं। फिर लिखा हुआ है आर्ट ऑफ कटिंग ट्रीज एंड बुशेस इनटू ऑर्नामेंट शेप। ऑर्नामेंट शेप गहने के आकार में किसी भी पौधे या किसी भी पेड़ उनको जिसको भी है गहना के आधार में आप यहाँ पे शेप में डालना, उसको टॉपियरी कहते हैं, कर्तन कला। A person who helps a stranger or a helpless person in difficulty, उसे हम समैरिटन कहते हैं, नेक इंसान, असहाय। समैरिटन असहाय नहीं होता, समैरिटन नहीं होता, नेक इंसान। A man who is quarrelsome, noisy and nagging, उसको हम श्रूड कहते हैं, धूर्त टाइप का, चालाक टाइप का इंसान, उसको हम श्रूड कहते हैं, नैगी। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट पेज, स्टडी ऑफ रिलीजन, रिलीजन का अध्ययन क्या कहते हैं दोस्तों, फर्स्ट किसी धर्म का अध्ययन करना उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं थियोलॉजी। थियोलॉजी, ये लॉजी जो है ना दोस्तों, इसका मतलब होता है स्टडी, ये रूट है, सफिक्स में लगेगा हमेशा। ठीक है, एंड दोस्तों थियो लिखा हुआ है ना, टी एच ई ओ, थियो, थियो का मतलब होता है गॉड। तो गॉड का अध्ययन, अब गॉड का अध्ययन तो होगा नहीं, तो गॉड ने क्या निकाला, धर्म, धर्म का अध्ययन हो गया। मध्यम वातावरण वाला, दैट इज टेम्परेट। प्लेटफॉर्म ऑन विच क्रिमिनल्स आर एग्जीक्यूटेड उसको हम कहते हैं स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड मींस होता है फांसी का तख्ता, वही तो प्लेटफॉर्म है, वहीं पर तो एग्जीक्यूट किए, एग्जीक्यूटेड होते हैं, है ना। अगला है रिलीफ दैट द ओनली रियलिटी इन द वर्ल्ड इज स्पिरिट, स्पिरिचुअलिज्म कहलाता है, अध्यात्मवाद, अध्यात्मवाद कहलाता है वो, अध्यात्मवाद कहलाता है। ओके, सारे ऑप्शंस। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ गॉड थ्रू मिस्टिसिज्म थियोसॉफी कहलाता है, गॉड से थियो आ गया एंड ये सॉफी अलग से याद कर लीजिए। A barrier at the entry of a building, turnstile होता है वो, turnstile,
किसी भवन के बाहर का यांत्रिक गेट। अ पर्सन हुज ऑक्यूपेशन इज टू सर्वे लैंड्स और बिल्डिंग्स, उसको सर्वेयर कहते हैं। जिसका ऑक्यूपेशन है किसी लैंड या बिल्डिंग का सर्वे करना, सर्वेयर कहलाता है। लास्ट है द बिलीफ दैट रिलीजन शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम कहते हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी एजुकेशन एटसेट्रा, सेक्युलरिज्म। रिलीजन शुड नॉट बी इन्वॉल्व, रिलीजन इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ह्यूमैनिटी रहे, रिलीजन नहीं डाल सकते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं करना है यहाँ पे, राइट एवरीबॉडी। ये A group of artists, troupe कहलाता है, concerned with time or world, temporal होगा, समय से संबंधित या सांसारिक। A woman who is not married, especially an older woman who is not likely to marry, इसको spinster कहते हैं, अधिक उम्र की औरत है जिसकी शादी नहीं हुई, स्पिंस्टर। अ पर्सन हू सेल्स राइटिंग मटेरियल्स, स्टेशनर कहलाता है, लेखन सामग्री विक्रेता, लिखने वाली सामग्रियों को बेचे, स्टेशनरी। और वो जो शॉप होती है उसको स्टेशनरी शॉप कहते हैं, और जो आदमी होता है उसको स्टेशनर कहते हैं। नेक्स्ट, taking place once every 3 years, 3 साल में जो एक बार हो। Come on everyone, hurry up guys quickly। ट्राइनियल कहलाता है, अभी अभी मैंने आपको बताया था टी आर आई का मतलब होता है तीन, तो 3 साल में जो केवल एक बार होता है ट्राइनियल कहलाता है, 3 साल में एक बार। वन हू एंटर्स समवन्स लैंड विदाउट परमिशन, बिना उसकी परमिशन से किसी के लैंड में घुसना, उसको हम ट्रेसपासर कहते हैं। ट्रेसपासर का मतलब हो गया कि भाई साहब वो एक प्रकार से अनाधिकार प्रवेश करने वाला है, वो घुस गया पूछा भी नहीं। पुट अंडर द सरफेस ऑफ वॉटर, उसको हम कहते हैं सबमर्ज करना, पानी में डुबोना। वन हु डज सीक्रेटली होगा सरप्टिशियस हो जाएगा, राइट एवरीवन। तो ये रहे आपके सारे ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल वर्क विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के कोई कहीं से बाहर है, स्कूल से बाहर है, क्या कहलाएगा, टॉम बॉय, श्रू, स्टोइसिज्म या ट्रुवेंट, विच वन इज राइट। ट्रुवेंट कहलाता है, वो कामचोर होता है वो। अ यंग गर्ल हु एंजॉयज एक्टिविटीज एंड गेम्स that are traditionally considered to be for boys, उसको टॉम बॉय कहते हैं, लड़की जो लड़के की तरह रहती है। an ill-tempered woman, एक ill-tempered woman, झगड़ालू स्त्री क्या कहलाता है, shrewd, indifferent to pleasure or pain, जो प्लेजर और पेन में दोनों में एक समान रहता है, उदासीन रहता है, उसको स्टोइसिज्म कहते हैं, सहनशीलता उसमें बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट पे आई दोस्तों, कंप्लीट चेंज इन अपीयरेंस और कैरेक्टर, स्पेशली इन अ मैजिकल और सरप्राइजिंग वे, कंप्लीट चेंज इन अपीयरेंस क्या होना चाहिए। अमन बेटा अभी A4 साइज का वो रेडी नहीं है, तो अभी प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। कंप्लीट चेंज इन अपीयरेंस और कैरेक्टर, स्पेशली इन अ मैजिकल और सरप्राइजिंग वे, तो वो कहलाता है दोस्तों, दिस इज ट्रांसमोग्रिफिकेशन,
ट्रांसमोग्रिफिकेशन कायाकल्प कर देना पूरी तरीके से, ठीक है। अ लिस्ट ऑफ और टेबल ऑफ ड्यूटीज पेबल ऑन एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स, उसको टैरिफ कहते हैं। टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस, उसको सीवर कहते हैं, काट कर अलग कर देना। अ गवर्नमेंट इन विच ऑल रिलीजियस आर ऑनर्ड सेक्युलर कहलाता है, धर्म निरपेक्ष, धर्म के पक्ष में नहीं होता, निरपेक्ष है ना, पक्ष नहीं है। चलिए ये लाभ हो गया, एक लास्ट ले लीजिए। टू ब्रिंग अंडर कंट्रोल, किसी चीज को कंट्रोल में लाना, काबू करना, उसको क्या कहलाता है, सुपरसिलियस सब्ड्यू पॉलिथीज्म एंड है फिलोसफी। गाइस वो सब्ड्यू कहलाएगा, सब्ड्यू मींस होता है काबू करना किसी चीज को, ठीक है। थिंकिंग वन सेल्फ सुपीरियर टू अदर्स, खुद को दूसरों से ज्यादा सुपीरियर समझना, उसको हम सुपरसिलियस कहते हैं, यानी कि घमंडी कहते हैं। सुपरसिलियस मींस होता है दोस्तों घमंडी। तीसरा है बिलीफ इन मेनी गॉड्स, जो ये मानता है कि बहुत सारे ईश्वर है, तो मेनी गॉड पे यकीन करने वाला देखिए क्या कहता है, पॉली POLY का मतलब होता है मेरी दोस्तों, एंड थीस अभी अभी बताया हमने THEI या THEO, तो इसका मतलब होता है गॉड। तो जो बहुत सारे गॉड पे क्या करे, भरोसा करे, बहुत सारे गॉड को माने, उसको हम कहते हैं पॉलीथीज्म। थैंक यू एंड लास्ट इज स्टडी ऑफ ट्रुथ एंड फिलोसफी कहलाता है उसको, ठीक है। तो गाइस ये रहे आपके आज की क्लास के इतने सारे, हार्डली 40-50 हुए होंगे, इसके बाद पूरे आपके होमवर्क में है, पूरा अच्छे से कर लीजिएगा। 125 स्लाइड्स लेकर आऊंगे, ठीक है। तो आप सभी को ये यहां तक मिला के 500 सब्स्टिट्यूशंस हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा सब, ठीक। चलो गाइज आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, कीप लर्निंग कीप प्रैक्टिसिंग, ऑल द बेस्ट।